नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, SST हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 2 का 3 नंबर जो टॉपिक है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में भारत उसके राजवंश कर रहे हैं। हमने अब तक वर्धन वंश, उसके बाद गुज्जर प्रतिहार वंश, दो वंश जो है कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमने जो है चालुक्य वंश के क्वेश्चन पूछे थे, जिनका आपने लोगों ने उत्तर दिया है और अब आपको ये वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। दोस्तों, इसमें 10 प्रश्न पूछे गए थे जिनका वीडियो सॉल्यूशन अब आपको दिया जा रहा है। इसमें से आप एक जो है शंका है मेरे कि या तो ये वंश जो है आपको बहुत हार्ड लगते हैं, इसलिए बहुत कम लोग जो है इन टेस्ट में जो है अपने उत्तर दे पा रहे हैं, या आप जो है सब अपनी तैयारी में बिजी हो चुके हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी तैयारी में बिजी हैं। तो कल हम एक सोच रहे हैं कि आपके लिए जो है हिंदी का एक टेस्ट आयोजित किया जाए, यानी यूनिट नंबर 1 का एक टेस्ट आयोजित किया जाए। वो कमनेट में आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा, तो आप उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा और इसके आंसर्स अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला प्रश्न है, चालुक्य वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक था? ये कक्षा 7 की बुक है ना, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ए, नर्मदा से गंगा, बी, नर्मदा से कृष्णा, सी, नर्मदा से सोन और डी, नर्मदा से महानदी। तो इसमें आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि नर्मदा से कृष्णा, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न, चालुक्यों की कितनी शाखा थी? ए, कल्याणी, बी, वातापी, सी, वेंगी और डी, सभी। तो दोस्तों, इसका भी आप लोगों ने सही उत्तर दिया था, उपयुक्त सभी 94% लोगों का बिल्कुल सही था। चालुक्यों की 3 शाखा थी, कल्याणी, वातापी और वेंगी। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन कल्याणी के चालुक्यों से संबंधित नहीं है? तेलब फर्स्ट, तेलब सेकंड, पुलकेशन फर्स्ट, विक्रमादित्य सिक्स। इसमें आपका उत्तर गलत हो गया, क्योंकि इसमें देखो तेलब फर्स्ट, तेलब सेकंड और विक्रमादित्य ये कल्याणी से संबंधित है, लेकिन पुलकेशन फर्स्ट, पुलकेशन सेकंड ये सब बादामी के चालुक्यों में है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, 14% लोगों का बिल्कुल सही था। मिताक्षरा पुस्तक की रचयिता हैं आर्यभट्ट, कालिदास, विज्ञानेश्वर और ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया था, विज्ञानेश्वर है और ये हिंदू धर्म की एक कानून आधारित पुस्तिका मानी जाती है। चालुक्यों के मतलब चालुक्यों के समय ये लिखी गई थी और कल्याणी के जो चालुक्य थे वहाँ पर ये जो है विज्ञानेश्वर रहते थे। ठीक है, उनके संरक्षक, उनके मतलब दरबार में संरक्षक दरबार में थे। अगला प्रश्न, किस चालुक्य शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? ए, पुलकेशन फर्स्ट, बी, पुलकेशन सेकंड, सी, सोमेश्वर, डी, विक्रमादित्य। तो इसमें भी 83% लोगों ने बिल्कुल गलत किया है, ये था पुलकेशन फर्स्ट, कक्षा 10 की बुक में पहली पोत इसी का जिक्र दे रखा है, यानी पहली लाइन आप चालुक्यों में पढ़ना यही लाइन है वहाँ पर। ठीक है, तो ये 5 में A होगा। अगला प्रश्न, किस चालुक्य शासक को पल्लव शासक नरसिंहवर्मन ने पराजित किया था? पुलकेशन फर्स्ट, तेलब फर्स्ट, पुलकेशन सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड। तो इसमें आपका बिल्कुल सही है, पुलकेशन सेकंड, ये पुलकेशन सेकंड को पराजित किया था। अगला प्रश्न, कल्याणी को अपनी राजधानी किस चालुक्य शासक ने बनाया था? विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड, पुलकेशन सेकंड, तेलब फर्स्ट। तो इसका उत्तर होगा विक्रमादित्य सेकंड, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस शासक ने कोप्पम युद्ध में चोल शासक राजा धीराज को वध किया था? विक्रमादित्य सेकंड, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य सिक्स और शक्याश्रय। तो इसका उत्तर होगा बी, सोमेश्वर प्रथम, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न, विक्रमांक देव चरित्र की पुस्तक के लेखक हैं? विक्रमादित्य सिक्स, विज्ञानेश्वर, विल्हण, रविकीर्ति। तो देखो, इसमें जो आपका 56% लोगों ने बिल्कुल गलत दिया है, 35% का सही है, ये विल्हण की रचना है जो विक्रमादित्य सिक्स के यहाँ दरबार में थे और उन्होंने विक्रमांक देव चरित्र यानी विक्रम जो षष्ठ है इनके चरित्र के बारे में ये लिखा था ये पुस्तक। ठीक है, तो इसमें विल्हण हो। लास्ट प्रश्न, चालुक्य वंश को समाप्त किसने किया? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, गंग ने। तो इसमें आएगा आपके राष्ट्रकूट वंश, जो दंती दुर्ग है उसने जो है चालुक्यों को समाप्त कर अपने यहाँ पर जो राष्ट्रकूट शासन है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। कल जो है सोच रहे हैं कि SST आपका टॉपिक चल रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कल SST के जगह एक दिन आपका हिंदी का टेस्ट कल आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में यूनिट नंबर 1 में आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, उनमें से जिस टॉपिक पर आप सबसे ज़्यादा वोट दोगे उसी का टेस्ट होगा। वैसे हिंदी का जो टॉपिक नंबर 1 है वो शब्द ज्ञान है, जिसमें तत्सम तद्भव वो आते हैं, बाकी आप अपने वोट दे दीजिएगा, उसका टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।